Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. रिश्तों की डोर में एक गांठ भी आ जाए तो वो जिंदगी भर चुभती रहती है. ऐसा ही कुछ कबीर और मीरा के बीच आज हो रहा था. इस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे थे. टूटे हुए भरोसे के टुकड़े मीरा के चेहरे पर बिखरे हुए थे. वहीं कबीर एक कोने में अपने हाथ बांधे ऐसे खड़ा था जैसे अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो. वहीं सामने टेबल पर वो फोटोज पड़े थे जिनमें कबीर और तानिया एक दूसरे के गले लग रहे थे. खामोशी जैसे किसी शोर की तरह सुनाई दे रही थी. आखिरकार कबीर ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मीरा मेरी बात का भरोसा करो. ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे इन फोटोज में दिखाई दे रहा है. प्लीज मेरी बात मानो. इस पर मीरा ने उन फोटोज पर नजरें गड़ाते हुए कहा, कितनी भोली हूं मैं ना कबीर. ये उसी दिन के फोटोज है ना जिस दिन मैं तुम्हें लगातार फोन लगाए जा रही थी. ये सुनकर कबीर खामोश ही रहा. मीरा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गलती एक बार हो सकती है कबीर, बार बार नहीं. एक बार पहले भी तुमने यही हरकत की थी मगर शराब को रीजन बताकर तुमने माफी मांग ली थी और मैंने माफ भी कर दिया था तुम्हें. मगर ये सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था कबीर. ये घर, हमारी फैमिली, खुशियां. कबीर के अंदर गलती के भाव का सैलाब आ गया. उसने मीरा के पास बैठते हुए कहा, देखो मुझे पता है मैंने गलती की है लेकिन मेरी गलती सिर्फ तानिया से मिलने की थी. हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. ये सब कुछ उस रणवीर का किया धरा है मीरा. वो हम दोनों को अलग करना चाहता है. क्या तुम देख नहीं सकती. ये सुनकर मीरा के चेहरे पर हैरानी उतर आई. उसने कहा, तुम अपनी गलती तक रणवीर के ऊपर डाल रहे हो. इस गलती की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तुम. और हाँ, गलत तुम हो, रणवीर नहीं. जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने ही मुझे संभाला. जब तुम इस लड़की के साथ थे तब भी वही थे जिसने मेरे अकेलेपन को दूर किया. ये सुनकर कबीर ने खींचते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मीरा, वो आदमी ठीक नहीं है और इस बात का मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊंगा. मैं लेकर आऊंगा सबूत और तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था. इतना बोलकर कबीर उठा और गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया. इस वक्त तक सुबह का आलम बिखरने लगा था. चिड़ियों के चहकने की आवाज माहौल में गूंजने लगी थी. कबीर आकर अपनी कार में बैठा ही था कि तभी उसने देखा कि गार्डन की एक बेंच पर रणवीर लेटा हुआ था. उसे यहां देखकर कबीर की आंखों में गुस्सा उतर आया. सीधे कार से उतरा और उसकी तरफ चल दिया. उसके आने की आहट से रणवीर भी उठकर खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान ले आया. कबीर ने आते ही उसकी कॉलर पकड़ ली और कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम. इस पर रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे रिश्ते का जनाजा देखने आया हूँ. तूने सही कहा था, बैंकक्रप्ट हो गया हूँ मैं, इसलिए मैंने ये घर बेचा. मगर तू ये भूल गया कि ये घर मेरे लिए क्या है और अब मैं ये घर भी वापस लूंगा तेरी बीवी के साथ. और अब तू चाहकर भी अपनी बीवी को वापस नहीं पा सकेगा क्योंकि वो मेरे साथ ही रहेगी इसी घर में. ये सुनकर कबीर का गुस्सा आसमान पार कर गया. उसने अपनी कसी हुई मुट्ठी रणवीर के चेहरे की ओर घुमा ही थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, धर्म जोशी में आकर कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना कि लेने के देने पड़ जाए. ऐसे भी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो बरकतदार,
फिर इस बार सीधे शमशान जाओगे और ज्यादा स्मार्ट बने तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी सीधे ऊपर। ये सुनकर कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तूने अगर मेरी मीरा की तरफ देखा भी तो बचेगा नहीं समझा, और अब तेरा ये खेल बहुत हो गया। अब तुझसे मैं नहीं पुलिस निपटेगी। इतना बोलकर कबीर ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया और वहां से निकल गया। कबीर जानता था कि बिना सबूत लिए वो घर वापस नहीं जा सकता था। अगर मीरा को उस जानवर से आगाह करना भी जरूरी था उसके लिए। यही सोचते हुए कबीर ने मीरा को फोन लगाया, मगर मीरा ने इस वक्त तक कबीर का फोन ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर कबीर और भी ज्यादा घबरा गया। उसे किसी भी तरह रणवीर की सच्चाई मीरा के सामने लानी थी। मीरा घर पर अकेली थी और वो नहीं चाहता था कि रणवीर उसे किसी तरह भी नुकसान पहुंचाए। यही सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दी। इस सुनसान इलाके में स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। कबीर स्टेशन पहुंचा ही था कि उसने देखा स्टेशन लगभग खाली ही था। दरवाजे पर एक हवालदार था जिसके लिए अब तक सुबह नहीं हुई थी। तभी कबीर की नजर अंदर बैठे दरोगा पर पड़ी। उसने सीधे जाकर उस दरोगा से कहा, सर मुझे एक कंप्लेंट लिखानी है। इस पर उस दरोगा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, कंप्लेंट तो लिख लेंगे, मगर पहले पूरी कहानी तो बताइए, किस बारे में है कंप्लेंट और अपराध क्या होगा। ये सुनकर कबीर ने उसी तेवर के साथ कहा, आदमी का नाम है रणवीर चौहान, मैंने उसका बंगला अभी अभी खरीदा है, मगर इसके बाद भी वो आदमी उस प्रॉपर्टी पर भटकता रहता है और मेरी बीवी की जिंदगी में दखल देने लगा है। मुझे शक है कि वो आदमी खतरनाक है और उसके इरादे ठीक नहीं है। आप प्लीज उसके बारे में कुछ कीजिए। ये सुनकर वो दारोगा कुछ देर के लिए खामोश ही रहा और फिर अचानक से हंसते हुए बोला, क्या भाई सुबह सुबह क्या चढ़ा ली, क्राइम होने से पहले गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? अरे पुलिस का काम तो आखिर में आता है जब क्राइम हो जाता है, और तुम कह रहे हो कि क्राइम से पहले कार्रवाई कर ले, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये सुनकर कबीर ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे लेकिन मैं कह रहा हूं ना, वो आदमी मेरी प्रॉपर्टी पर आता है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से मिलता है, हमें परेशान करता है, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? ये सुनकर उस दरोगा की आंखें तंग गई। उसने गंभीर सी आवाज में कहा, ओ भाई साहब, अगर वो तेरी बीवी से मिलता है ना, तो तेरी बीवी भी तो उससे मिलती है, हैं? 2+2। पहले अपनी बीवी को अपने बस में कर और फिर यहाँ आना। अब जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा साला। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर निराशा लौट गई। वो बस चुपचाप वहां से मुड़ा और बाहर निकल गया। उसके आंखों में गुस्सा था और उसके सामने इस मामले को खत्म करने का एक ही रास्ता बचा था, और वो थी पूजा। यही सोचते हुए कबीर ने पूजा के नंबर पर फोन लगाना फिर से शुरू किया, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं कबीर जानता था कि पूजा उस दिन के बाद से उसका फोन नहीं उठाएगी, मगर तब भी लगातार फोन पर फोन लगाते हुए कबीर एयरपोर्ट जा पहुंचा। वक्त बेहद कम था और खतरा काफी बड़ा था। कबीर ने सीधा जाकर मुंबई की सबसे पहली फ्लाइट बुक की और वहां से निकल गया। इसी बीच किसी जंगली चील की तरह रणवीर बंगला नंबर 501 के
आस पास मंडरा रहा था, उसका फोन बजा। फोन पर नंबर देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि ये फोन उस दरोगा का था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उस दरोगा ने कहा, अरे भाई रणवीर साहब, वो छोकरा आया था, आपने सही कहा था, मगर फिक्र मत कीजिए, मैंने भगा दिया उसे। बस मेरा अब वो हिस्सा टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। हाँ, ये सुनकर रणवीर ने कहा, अरे भाई पहुंच जाएगा। इतना बोलकर रणवीर ने फोन रख दिया। कबीर जितना सोच रहा था, रणवीर उससे भी कई ज्यादा खतरनाक और दो कदम आगे की सोच रखता था। आखिरकार कबीर मुंबई पहुंच गया। किस्मत से कबीर के पास पूजा की बेकरी का एड्रेस था। करीब आधे घंटे में कबीर उस बेकरी के सामने खड़ा था। ये एक काफी छोटी सी बेकरी थी, जिस पर एक लड़की कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। कबीर धीमे कदमों से चलता हुआ उस बेकरी पर जा पहुंचा। उसे देखकर उस लड़की ने कहा, जी बोलिए, क्या चाहिए? सारे केक्स फ्रेश हैं। इस पर कबीर ने गंभीर सी आवाज में कहा, पूजा, पूजा चौहान। कबीर की आवाज सुनकर पूजा के चेहरे ने एक डर पकड़ लिया। वो समझ चुकी थी कि ये वही कबीर था। कुछ देर बाद कबीर पूजा के उस छोटे से घर में बैठा था। पूजा किचन में कॉफी बना रही थी और कबीर उस कमरे को देख रहा था। वो कमरा इतना छोटा था कि एक आदमी को भी अकेले रहने में घुटन सी महसूस हो जाए। पूजा ने आकर कबीर को कॉफी दी और कहा, तुम सोच रहे होगे मेरे बाप के पास इतना बड़ा बंगला था और मैं यहाँ इस छोटे से घर में रहती हूँ। ये सुनकर भी कबीर खामोश ही था। तभी पूजा ने अपने में ही हंसते हुए कहा, वो बंगला कभी हमारा था ही नहीं, उस पर सिर्फ मेरे बाप का हक था। हम लोगों से ज्यादा उसे उस घर की दीवारें, फर्नीचर और बेजान चीजें पसंद थी। अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहते थे हम। ये सुनकर कबीर ने हैरानी भरी आवाज के साथ कहा, आखिर हुआ क्या था? क्या क्या कहानी क्या है? मुझे सच जानना है प्लीज, मेरी बीवी की जान का सवाल है। इस पर पूजा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी एक फैक्ट्री थी जो मेरा भाई चलाता था और मेरा बाप बस अपने बंगले से चिपका रहता था। एक दिन कपड़े की उस फैक्ट्री में आग लग गई। मेरा भाई तो जैसे पागल ही हो गया। कर्जा 8 करोड़ का था। भाई ने कहा कि बंगले को गिरवी रखकर कर्जा चुका देते हैं, मगर भाई की बात मेरे बाप ने जरा भी नहीं मानी। माँ ने भी समझाने की कोशिश की, मगर मेरा बाप किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार मेरे भाई ने कर्जदारों से तंग आकर अपनी जान ले ली। उसी घर में माँ तो जैसे पागल ही हो गई थी और मेरा भी कुछ कहना नहीं बनता था। मैं और माँ बस एक कोने में उस बंगले की किसी मूर्ति की तरह पड़े रहते। अगर मेरी पढ़ाई का नुकसान होते देख एक दिन ये कहते हुए पूजा का गला भर आया। कबीर भी पूरी हैरानी भरी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। बात 8 साल पहले की थी। रणवीर अपने घर के बाहर अपने पेड़ों को पानी दे रहा था कि तभी उसकी पत्नी किरण उसके पास आई और एक फिक्र भरी आवाज में बोली, देखिए पूजा की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, रोज कर्जदार आते हैं, राहुल के जाने के बाद अब वो हमसे पैसा मांगते हैं, इस घर को कुछ दिनों के लिए गिरवी नहीं रख सकते क्या? ये सुनकर रणवीर के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसने कहा, ये घर मेरी जान है और कोई अपनी जान को गिरवी नहीं रखता, समझी? ये सुनकर किरण के अंदर पल रहा वो गुस्सा सैलाब की तरह बाहर आ गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम बाप हो या दुश्मन, पहले बेटे को मार दिया और अब बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो। ये घर मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब
तुम्हें तलाक देकर मैं ये घर अपना बना लूंगी। ये सुनकर रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किरण का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आया। पूजा ये सब एक कोने में खड़ी देख रही थी। अंदर लाकर रणवीर ने दांतों को पीसते हुए कहा, यह घर तेरे बाप ने तेरे नाम किया था। सही बात है, मुझे छोड़कर तू ये घर ले जा सकती है, मगर ये घर के कागजात में ये भी लिखा था कि यदि तू किसी कारण से मर जाए तो ये घर तेरे पति परमेश्वर का हो जाएगा। ये कहते हुए रणवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। भई किरण का चेहरा खौफ से भर गया। वो कुछ कर पाती उसके पहले ही रणवीर ने किरण के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ऊपर छत पर ले गया। पूजा रोते हुए रणवीर की गिरफ्त में अपनी माँ को छुड़ाने की बड़ी कोशिश कर रही थी, मगर एक 12 साल की लड़की करती भी तो करती क्या। ऊपर छत पर आने के बाद रणवीर ने किरण को छत के कोने पर ले जाते हुए कहा, पैर फिसलने से हुई एक औरत की मौत, सर के बल गिरी और जान वही निकल गई। और इतना बोलकर रणवीर ने चीखती हुई किरण को छत से नीचे फेंक दिया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये कहानी सुनाते हुए पूजा की आंखें भर आई थी। वहीं कबीर का दिल बिजली की रफ्तार से धड़क रहा था। पूजा ने बात को खत्म करते हुए कहा, मैं तो वक्त रहते वहां से भाग आई थी, मगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हो सके तो चले जाओ वहां से और कभी मत लौटना, क्योंकि वो आदमी नहीं हैवान है जो अपनी खोई हुई जिंदगी और अपना परिवार वापस चाहता है। और परिवार से मेरा मतलब है तुम्हारा घर और तुम्हारी बीवी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।